हैं क्या है आज का ताजा मुद्दा। हिजाब विवाद मामला अब कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच के हवाले। पिछले कई दिनों से हिजाब विवाद जारी है, जिस पर मंगलवार को अदालत में कार्रवाई चल रही थी, जिसके बाद आज इस पर अपडेट आया है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि मामला काफी गंभीर है और इसे बड़े बेंच को भेजे जाने की जरूरत है। अब तक मामले की सुनवाई जज कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच कर रही थी। हिजाब पहनने से रोके जाने पर छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है, लिहाजा उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। अब मामले में जाने माने वकील संजय हेगड़े उनकी पैरवी करेंगे। मंगलवार सुबह इस मामले को लेकर कुछ कॉलेजों में छात्र छात्राओं के बीच तानातानी के बाद दो पक्षों के बीच नारेबाजी और पथराव की घटना सामने आई थी। हिंसा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें भगवा स्कार्फ पहने कुछ लोग हिजाब पहने लड़की के सामने नारेबाजी कर रहे थे। लड़के जहां जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वहीं लड़की अल्लाहू अकबर कह रही थी। चुनाव के चलते राजनीतिक पार्टियां भी इस पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है, जिस पर सुबह से ही बयानबाजी का दौर चालू है। इस मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, चाहे वह बिकनी हो, घूंघट हो, या फिर जींस, या फिर हिजाब, या महिला को तय करना है कि उसे क्या पहनना है। यह हक उसको भारत के संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। वहीं कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा, सरकार ना तो हिजाब और ना केसरी के पक्ष में है। छात्र सड़कों पर जो चाहे पहन सकते हैं, लेकिन स्कूलों में ड्रेस कोड अनिवार्य है। हमने छात्रों की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। इस राजनीति के पीछे कांग्रेस का हाथ है। तो वही नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, कॉलेज में हमें पढ़ाई और हिजाब के बीच किसी एक का चयन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिजाब में लड़कियों को स्कूल जाने से मना करना भयावह है, कम या ज्यादा पहनने के लिए महिलाओं के प्रति एक नजरिया बना रहा है। भारतीय नेताओं को चाहिए कि वे मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकें। वहीं इस विवाद की चर्चा विदेशी मीडिया में भी गूंज रही है, जहां मोदी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें खासकर मुस्लिम देशों की मीडिया शामिल है। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब उड़पी के एक सरकारी कॉलेज में आधा दर्जन छात्राओं ने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया था। दूसरे वर्ष की इन छात्राओं ने हिजाब उतार कर क्लास में बैठने की अपील को खारिज कर दिया था। जब इन छात्राओं की बात नहीं सुनी गई तो इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मामला तब और बढ़ गया जब उड़ुपी जिले के कॉलेज में लड़कियों के हिजाब के जवाब में कुछ छात्र भगवा शाल पहनकर चले आए थे। इसके बाद लड़कियों ने भी भगवा शाल पहनकर जुलूस की शक्ल में एक प्राइवेट कॉलेज में घुसने की कोशिश की। हिजाब पहनने से रोके जाने पर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है, लिहाजा उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। धन्यवाद।